डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्मी सरफेस। किस तरीके से फर्मी सरफेस को ड्रॉ किया जाता है। तो फर्मी सरफेस को ड्रॉ करने के पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि ब्रिलॉइन जोन्स को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रिलॉइन जोन्स ड्रॉ करेंगे। हमने यहाँ पे लैटिस पॉइंट्स बना रखा है, ठीक है। इस तरफ है आपके 6 पॉइंट्स और इस तरफ भी आपके 6 पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर हमको करना क्या है कि एक और पहले कॉलम बना लेते हैं इसका। और हमको करना क्या है कि सबसे पहले एक 7-7 कर लिया है ना। सबसे पहले एक सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करते हैं। अब इस लैटिस पॉइंट से फर्स्ट नियरेस्ट नेबर इसके कौन से होंगे। एक तो ये होगा, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये वाला होगा इसका नियरेस्ट नेबर, ठीक है। अब हमको करना क्या है कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। ये हो गया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर ये, यहाँ से इस लाइन का ये और चौथे लाइन का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। तो ये जो बीच में हमको मिला है ये हो गया हमारा फर्स्ट जोन, ठीक। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमको नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर में जाना है। ये नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर हो गया ये नेक्स्ट, वैसे ही यहाँ से ये नेक्स्ट और यहाँ से ये नेक्स्ट, ये क्रॉस करना चाहिए था यहाँ से, ठीक है। अब नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर का फिर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो कुछ ऐसा बनेगा हमारा बाइसेक्टर ये इस तरीके से, ठीक। तो ये था हमारे पास फर्स्ट जोन। और अभी जो हमको मिला ये वाला, ये हो गया हमारा सेकेंड जोन। इसी को आगे बढ़ाएंगे, नेक्स्ट और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से ये, ये और ये नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। अब फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फिर से ये, कुछ इस तरीके से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमको मिल जाएगा। थोड़ा और आगे बनाना चाहिए था इसको, थोड़ा सा और आगे ड्रॉ करना चाहिए था। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका यहाँ कहीं पे आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते चले जाएंगे ब्रिलॉइन जोन्स को। तो ये हुआ ब्रिलॉइन जोन्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है, ठीक। ये थर्ड जोन हो जाएगा आपका ऐसे ही। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड जोन, वैसे ही फोर्थ फिफ्थ, आप सब जोन्स बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो फर्मी सरफेस का कंस्ट्रक्शन है, तो फर्मी सरफेस के कंस्ट्रक्शन में वो बिल्कुल भी अलग नहीं है इससे, बिल्कुल इसी के जैसा है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड जोन को पहले हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस जोन स्कीम में बनाएंगे। तो फर्स्ट जोन तो ये आपका ये वाला था, तो ये फर्स्ट जोन आपका ये बिल्कुल सेम ऐसा ही रहेगा फर्स्ट जोन, ठीक है। और सेकेंड जोन जो है वो आपका रिड्यूस्ड जोन स्कीम में कैसा होगा। ये सेकेंड जोन है आपका, इसको हमने ऐसे फोल्ड कर दिया फर्स्ट के ऊपर, ठीक है। बिल्कुल हर तरीके से, हर तरफ से हमने सेकेंड जोन को फर्स्ट के ऊपर फोल्ड कर दिया। तो रिड्यूस्ड जोन स्कीम इसी को कहते हैं, सेकेंड जोन को फर्स्ट में लेके आ गए। तो फर्स्ट में लेके आ गए तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो ये कहलाएगा आपका सेकेंड जोन। थर्ड जोन को फिर, थर्ड जोन को भी ऐसे फोल्ड कर देंगे हम हर तरफ से, तो फिर हमारे पास थर्ड जोन कुछ इस तरीके से बन जाएगा थर्ड जोन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ब्रिलॉइन जोन इन रिड्यूस्ड जोन स्कीम। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन फर्मी सरफेस है उसको हमको ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा कि ये जो कॉर्नर्स, ये जो एजेस हमने ड्रॉ किया ना, सिंपली इसको हम कर्व शेप में बना लेंगे। तो फर्स्ट जोन तो एज इट इज़ रहेगा, ऐसा ही फर्स्ट जोन बनेगा आपका। सेकेंड जोन जो है उसमें क्या हो जाएगा कि हमने कहा कि इसको कर्व बना लेंगे। जो ये शार्प कॉर्नर है वो कैसे बन जाएगा, ऐसे। तो हर जगह का शार्प कॉर्नर ये ऐसे, ये बन जाएगा हमारे पास सेकेंड जोन। और फिर वैसे ही थर्ड जोन में भी जो जो शार्प कॉर्नर्स हैं उसको हम लोग बनाएंगे। तो वो कैसे बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा वो, ये हो जाएगा आपका थर्ड जोन। ये थर्ड जोन और सेकेंड जोन में ये पूरा आ जाएगा, है ना।
ये है फ्री इलेक्ट्रॉन फर्मी सरफेस इन रिड्यूस्ड जोन स्कीम। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग फर्मी सरफेस को रिड्यूस जोन स्कीम में ड्रॉ करेंगे। अब हम लोग को करना क्या है कि ये जो फर्मी सरफेस हम ड्रॉ कर रहे हैं, इन फर्मी सरफेसेस को थर्ड जोन स्कीम में, अगर हम पीरियोडिक जोन स्कीम में ड्रॉ करना चाहें तो थर्ड जोन स्कीम में ये पीरियोडिक यानी रिपीटेड हो जाएगा। तो ये कैसे टाइप का बनेगा आपका, कुछ इस तरीके से हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। रिपीटेड जोन स्कीम में अभी तक रिड्यूस जोन स्कीम बनाए थे, तो अब ये हो जाएगा आपका रिपीटेड जोन स्कीम में। ये सेम इस तरीके से ही हम ड्रॉ करेंगे इसको। ठीक है, पूरे में बनाएंगे इसको। थोड़ा अच्छे से इसे बनाइएगा। फर्स्ट ये फर्मी सरफेस है इन थर्ड जोन और ये रिपीटेड स्कीम में, आप इसी को रिपीट करते जाएंगे तो इसके आगे ये जो है ये वाला हिस्सा, ये कौन सा वाला हिस्सा है आपका, ये वाला हिस्सा, यानी ये जो है ना ये वाला सरफेस है, इतना पोर्शन है ये। ठीक है, ये इतना पोर्शन जो है ये है, इसको रिपीटेड बनाए तो इस तरीके से मिल गया हमको। ठीक है, जो वीक पीरियोडिक पोटेंशियल है उसका जो इफ़ेक्ट होता है सरफेस में, वो यही इफ़ेक्ट होता है कि जो शार्प एजेस है वो राउंड हो जाते हैं। हालांकि जो ब्रांच है फर्मी सरफेस का उसमें बहुत छोटे छोटे पीसेस या सरफेस रहते हैं जो कि अनऑक्यूपाइड लेवल के होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये हमने बनाया, ये जो है इसमें ये वाला ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन स्टेट है। ठीक है, और सरफेस ऑफ कांस्टेंट एनर्जी हम इसको कह सकते हैं, इसीलिए फर्मी सरफेस कहला रहा है अंदर वाला, जबकि फर्स्ट जोन है। ठीक, अब बारी है कि हम सेकेंड जोन और थर्ड जोन को अगर वीक पीरियोडिक पोटेंशियल के इफ़ेक्ट में बनाना चाहें तो सेकेंड जोन हमारा कैसे बनेगा और थर्ड जोन कैसे बनेगा। ये बनेगा हमारा सेकेंड जोन कुछ इस तरीके से, और ये बनेगा हमारा थर्ड जोन, ये सेकेंड और ये थर्ड। ठीक है, जो फर्मी सरफेस है जो थर्ड जोन का, वो इलेक्ट्रॉन लाइक होता है। थर्ड जोन वाला कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन लाइक, यानी फर्मी सरफेस कन्वेक्स होता है। ठीक, जबकि जो सेकेंड जोन का होता है वो होल लाइक होता है, यानी फर्मी सरफेस कन्वेक्स होता है अनऑक्यूपाइड स्टेट्स वाले रीजियन के लिए। जो इंटरेक्शन है इलेक्ट्रॉन का असल में पीरियोडिक पोटेंशियल के साथ, क्रिस्टल के पीरियोडिक पोटेंशियल के साथ, उसकी वजह से होता है क्या कि एनर्जी गैप्स आ जाता है, बाउंड्री में गैप आ जाता है। और क्योंकि सारे फर्मी सरफेस जो होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं जोन बाउंड्री को परपेंडिकुलर, और क्रिस्टल पोटेंशियल शार्प कॉर्नर्स को मोड़ देता है या राउंड बना देता है। जो टोटल वॉल्यूम होता है फर्मी सरफेस के अंदर का, जो टोटल वॉल्यूम होता है वो किस पे डिपेंड करता है, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, जबकि वो इंडिपेंडेंट होता है लैटिस के इंट्रैक्शन से। तो इस तरीके से हम लोग फर्मी सरफेस को ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ही हैरिसन ने भी अपना एक कंस्ट्रक्शन दिया था फर्मी सरफेस ड्रॉ करने का, जो हमने अभी ड्रॉ किया हुआ है। उसमें सिंपली क्या करते हैं कि सर्कल्स ड्रॉ कर देते हैं, खूब सारे स्फीयर्स ड्रॉ कर देते हैं रेडियस लेकर के, रेडियस RF लेकर के, और ऑलमोस्ट ऐसा ही दिखता है वो भी सरफेस, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन स्फीयर बनाया जाता है जिसको हैरिसन स्फीयर कहा जाता है। सबसे पहले रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स को डिटरमाइन किया जाता है।
ठीक है, तो उस तरीके से मेन जो है हमारा कि हमको जब तक ब्रिलियंट जोन का कंस्ट्रक्शन नहीं आएगा तो हम फर्मी सरफेस को नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। एक बार ये चीज़ समझ में आ गई तो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड जोन को किसी भी जोन स्कीम में ड्रॉ कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट होने से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।